जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज का विषय है कि एकादशी का पारण में हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जय श्री कृष्ण राधे राधे भी कमेंट में जरूर लिखें। और भी कोई क्वेरी हो आपकी, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, मैं एकादशी रिलेटेड आपकी सभी जानकारी को दूंगी। एकादशी कोई भी हो, निर्जला एकादशी हो या अंधेरे पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, एकादशी 24 एकादशी में से किसी भी एकादशी का पारण हमें इसी तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए, त्रयोदशी तिथि लगने से पहले। ये है कि जब द्वादशी तिथि में हम पारण करते हैं तो उस दिन हमें अनाज दान निकाल देना चाहिए। जो चीज़ हम छोड़े हुए रहते हैं तो हम दाल चावल आटा पैसा पानी जरूर दान निकालें। उसके बाद ज़मीन पर एक साफ कपड़ा बिछा देते हैं जिस जहाँ पर हम बैठ कर पारण करेंगे। पारण हमें ज़मीन पर बैठ के ही करना होता है और पारण का थाली जो हम प्रसाद यानी भोजन बना रखे हैं उसमें हमें एक ही बार सामग्री लेकर प्लेट में थाली में लेकर रखना होता है, क्योंकि हमें पारण पे जब हम बैठ जाते हैं तो हमें उठना नहीं चाहिए। अगर आप उठ जाते हैं तो आपको वहीं पे थाली छोड़कर उठना पड़ता है। तो आप ध्यान से सारा सामग्री जो भी आपको भोजन में रखना है, खाना है, वो एक बार ही थाली में लेकर आप बैठ जाए। अगर कभी कोई चीज़ लेनी भी हो तो आप अपने घर में जो अवेलेबल हैं लोग, बच्चे या कोई, तो उनसे आप अपने थाली में रखवा सकते हैं। लेकिन थाली पर बैठ जाने के बाद आपको उठना नहीं है जब तक कि आपका प्रसाद खत्म नहीं हो। थाली भरकर ही लेना होता है, कम नहीं लेना होता है। अगर बच जाए तो बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन बर्ती को थाली को भरकर ही पारण करने के लिए बैठना होता है। अब उस थाली में हम क्या क्या खा सकते हैं, तो आप दाल आलू आटा मतलब जो भी आप गेहूं के आटे खाते हैं, पराठा बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, दही ले लीजिए, आम ले लीजिए, लहसुन प्याज छोड़कर चावल बैंगन ये दो तीन चीज़ छोड़कर बाकी आप सारी चीज़ों को आप पारण के दिन बना सकते हैं। और सभी चीज़ों में आप तुलसी दल डाल दें। इसके बाद आप इन सभी चीज़ों को आप लेकर एक निवाला निकालें सभी चीज़ों को लगाकर, और इन सभी चीज़ों को आप एक अग्नि देवता पे आप रख दें जिससे कि ये आपका अग्नि देवता को समर्पण हो जाए। बिना अग्नि को भोजन दिए भोजन नहीं करना होता। ये कुछ खास नियम है जो जरूरी एकादशी का पारण में हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम सभी चीज़ों में तुलसी दल डाल दिए हैं और गंगाजल भी हमने डाल लिया, और गंगाजल तुलसी जी का पहले हम पानी पिएंगे। तो पानी पीने से पहले इसको हम, निर्जला एकादशी है तो हम गंगाजल पिएंगे, और कोई भी एकादशी का पारण हम गंगाजल लेकर ही व्रत को खोलते हैं। इस तरीके से आप तुलसी जी लेकर तीन बार आचमन कर देंगे। और जो आपके थाल में आपने रोटी बना रखा है एक, क्योंकि गाय को पराठा पूरी पसंद नहीं है, नहीं खाते हैं वो लोग, तो सभी चीज़ों में से आप एक बार निवाला आप निकालें, दाल जो भी आपने अपने थाली में रख रखा है, और उसको आप एक प्लेट में गाय के लिए रख दें। जब भोजन आप कर ले तब आप इस गाय को खिला दें, अथवा गाय अवेलेबल हो, नीचे हो, आपके घर में हो तो आप बच्चों को दे दीजिए, वो गाय को खिला देंगे। हमारे यहाँ गाय दरवाजे पर आती है मगर कब आएगी ये नहीं पता होता है, तो हम गाय के लिए निकाल दिए हैं। इसके बाद आप पानी को पी लीजिए, गंगाजल तुलसी गंगाजल ले लीजिए। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और भगवान से बोलिए कि हे भगवान, आपने मेरा व्रत पूर्ण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से अन्देवता को प्रणाम कर कर भगवान का भोग लगा कर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। भोजन समाप्त मेरा हो चुका है और आप देख रहे हैं कि जब जो मैंने निवाला रखा हुआ था वो अभी तक जल रहा है, यानी कि छोड़ना नहीं है, पूरे उसे जल जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखकर एकादशी का पारण करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको एकादशी का फल प्राप्त होगा। तब व्रत खोलने के बाद आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको चरण स्पर्श कीजिए, अथवा पास में ना भी हों तो फ़ोन कर कर उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए।
उसके बाद धरती माता को भी प्रणाम कीजिए और कहिए कि धरती माता धन्यवाद, आज आपने हमारा व्रत पूर्ण करवाया। विष्णु भगवान को जब जल चढ़ा रहे हो तब कहिए, हे नाथ आपने मेरी व्रत को पूर्ण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारण करने के बाद अपने दुपट्टे में एक तुलसी का दल बांध ले, जिससे कि कभी आँख पे झपकी लगे तो आपका पुण्य मलेच्छ न ले जाए। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।